नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मंडल कसडोल के नेतृत्व में ग्राम सरवा में गौ हत्या के विरोध में ज्ञापन दिया गया। छत्तीसगढ़ में ग्राम सरवा में दिनांक 20 नवंबर 2021 दिन शनिवार को प्रातः 8 से 9 बजे करीब रामसागर के घर के पीछे रेत में गाय का सर मिला, जिसको कुछ अज्ञात कलयुगी निर्ममी इंसान के शक्ल में राक्षस लोग गाय की हत्या कर रहे, उनका अंग भंग कर रहे और गांव में गौठान समिति के होते हुए भी ऐसा कृत्य होना निंदनीय है। साथ ही छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल अपने आप को छत्तीसगढ़िया सरकार एवं नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी ये सब छत्तीसगढ़ की चिन्हारी की नारा देते हैं, जो केवल एक ढोंग है, दिखावा है। ये कुछ लोगों की आर्थिक लाभ का जरिया बस है, जिसके प्रति उनका कोई जिम्मेदार नहीं है। हमारे संविधान में भी गौ संरक्षण के लिए अधिनियम बनाए गए हैं, जिसके बाद भी ऐसा कृत्य का होना निंदनीय है। रामावतार कश्यप की रिपोर्ट। ये आपका नाम? नागेश्वर साहू, युवा मोर्चा मंडल। आज आप कौन से सिलसिले में कसडोल थाना में ज्ञापन देने गए? भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा, मंडल कसडोल के द्वारा आज जो है कसडोल थानेदार त्याही साहब को आज ज्ञापन देने गए थे। ग्राम सरवा की नंदनी घटना है, जो कि गौ माता का हत्या हमें सामने आया है। ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिला है हमें कि जो है गौ माता का गला काट करके दफनाया गया था रेत में। उस सिलसिले ग्रामीणों द्वारा हमें सूचना मिला फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से, तो जो आज युवा मोर्चा द्वारा इसे लेकर के हम जो कसडोल थाना में सभी युवा मोर्चा के साथियों द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के लिए जो कि ये घटना को अंजाम दिए हैं, उसके लिए हम FIR का मांग करते हैं। जो भी होगा इसका निष्पक्ष जांच हो और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि गौ माता का हत्या है वो दंडनीय अपराध है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।